हेलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है बॉडी प्लेन। ठीक है, ये बॉडी प्लेन जो टॉपिक है ना बेटा, ये आपको एनसीईआरटी में ऐसे कोई पर्टिकुलर हेडिंग में लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे नहीं रखा है टॉपिक। बट आपने बॉटनी के अंदर जब मैंने आपको कभी एनाटॉमी पढ़ाया तो आपने उसमें सुना होगा ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, या फिर कभी किसी एनिमल्स का डिस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, उसका कोई सेक्शन कटिंग किया जाता है तो वहां पर भी वर्ड आता है ना। बहुत कॉमन सा टर्म्स है ट्रांसवर्स सेक्शन वगैरह। तो बस इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कसिंग करने वाले हैं, बॉडी प्लेन के ऊपर डिस्कसिंग करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन, या फिर जिसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। अब देखते हैं क्या होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या होता है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारे टीचर कह देते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन बहुत ईजी है, किसी भी जैसे सपोज़ मार्क करे, अब ये कह देंगे कि इसको आप ऐसे कट करो, ये दिस इज द कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। कह देंगे ऐसे लंबाई में कट करो, ये वर्टिकल सेक्शन है। क्या ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्या? नहीं, ये टर्म्स एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब है क्या ट्रांसवर्स सेक्शन, क्या होता है? तो देखो लिखा हुआ है राइट एंगल टू एपी एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में कहां पे कट होता है? राइट एंगल टू एपी एक्सिस। ए का मतलब होता है बेटा एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है? जब कोई एनिमल चलता है तो उसका जो आगे वाला पार्ट होता है ना, जैसे माउथ वगैरह हो गए ना, जो हेड वाला पार्ट होता है वो एंटीरियर होता है, और जो पीछे पूंछ वाला पार्ट होता है ना बेटा, वो होता है पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी एनिमल्स को, जैसे हम खुद की बात कर ले, हम एनिमल्स हैं, तो हमारा ये स्माइली फेस हो गया और ये लेग वाले एरिया हो गया ना, तो दिस इज कॉल्ड एंटीरियर रीजन, और इस इसको कहा जाता है पोस्टीरियर रीजन। एंटीरियर पोस्टीरियर के कहां पे कट करना है? राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कट लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसको लिटा दो, जैसे कोई एनिमल्स है, जैसे चूहा। ठीक है, ये रहा, ये माउस है। अब इसका ये मुंह वाला एरिया आगे चलेगा तब एंटीरियर, पूंछ वाला एरिया पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो गया। इस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के ऐसे 90 डिग्री एंगल के ऊपर राइट एंगल पे कट करना है, दैट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, या फिर अब कहोगे नहीं सर एनिमल्स को ऐसा है ना, ये इसका मुंह है, ये इसकी पूंछ है, और ये इसका कोई पैर वगैरह है। ठीक है, और ये ऐसे जमीन पे चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका माउथ है ना, तो एंटीरियर रीजन हो गया, और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर रीजन हो गया, ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो गया। अब इसको ऐसे कट कर दो, तो ये भी 90 डिग्री के एंगल पे कट हो रहा है, 90 डिग्री एंगल पे कट होना एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, उसी को कहा जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसका अनोदर टर्म, अनोदर नाम क्या है उसका? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बहुत इजी से है, चलो नेक्स्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट आता है ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में, जो नेक्स्ट सेक्शन की बात होती है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, है ना, हॉरिजॉन्टल सेक्शन को कट करना, या फिर इसको कहा जाता है फ्रंटल, इसको फ्रंटल सेक्शन भी कह देते हैं, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक वर्ड आता है डॉर्सी वेंट्रल प्लेन। डॉर्सी वेंट्रल प्लेन क्या है? देखो सिंपल सी बात है, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे आगे वाला जो पार्ट है, फ्रंट वाला जो एरिया है, इसको कहा जाता है वेंट्रल साइड, और जो बैक वाला एरिया होता है ना बेटा, पीछे वाला एरिया, बैक वाला साइड, उसको कहा जाता है डॉर्सल साइड्स। ठीक है, तो ये वेंट्रल है और ये क्या है? डॉर्सल है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, और एपी एक्सिस पता है एंटीरियर रीजन, और नीचे वाला जो पार्ट हो गया, फिर जो पीछे जो रह जाता है, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? पोस्टीरियर रीजन। अब यहां पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल या फ्रंटल या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, इसके अंदर क्या होगा, आप कह दो कि जब भी आप कट कर रहे हो, है ना, तो रन अलोंग एपी एक्सिस और राइट एंगल टू डॉर्सी
वेंट्रल प्लेन, डॉग से अंडर प्लेन के राइट एंगल पे कट कर रहे हो। अब ये कहोगे यार सर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कट लगा रहे हो, तो देखो मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो ये हो गया मैं, ठीक है, ये मेरा एरिया कौन सा है, वेंट्रल, पीछे वाला पार्ट कौन सा है, डॉर्सल। तो ऐसे कट करोगे इस साइड से, है ना, ऐसे ऐसे अगर आप कट कर रहे हो तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, रन अलोंग द क्या जा रहे हो, एपी एक्सिस, ये वेंट्रल और ये डॉर्सल, उसके 90 डिग्री एंगल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर इसको कहते हैं फ्रंटल, क्योंकि आप देखो ऐसे फ्रंटल पोर्शन को कट करो, फ्रंट एरिया को कट कर रहे हो, है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रंटल। या फिर मैं ऐसे भी कह दूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर रीजन, ये वेंट्रल और ये डॉर्सल, इस साइड से कट करोगे, ऐसे ऐसे अगर मैं कट लगा रहा हूं, है ना, तो इसको यहां से अगर कट किया जा रहा है, ऐसे कट होगा, तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल या फ्रंटल या लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए डेफिनेशन क्या हुआ, रन अलोंग द एपी एक्सिस और राइट एंगल टू डॉर्सिवेंट्रल प्लेन, डॉर्सिवेंट्रल प्लेन की राइट एंगल पे कट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो थर्ड टर्म्स आती है, बहुत कॉमन सी वर्ड है, सुना होगा आपने, जो थर्ड वर्ड आता है जिसको कहा जाता है वर्टिकल प्लेन। और वर्टिकल प्लेन में भी क्या होगा, दोनों के अलोंग कट करना होगा, किसके अलोंग, एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और दूसरा कौन सा, वेंट्रल और डॉर्सल। तो इसमें अगर आप मेरे को ऐसे कट कर दो ना बेटा, सिंपल से मैं खड़ा हूं और ऐसे ऐसे यहां से मेरे को कट लगा दो, ऐसे कट हो गया, यहां से लंबाई में टुकड़े कट हो जाएंगे, जैसे रजिस्टर है इसमें मैं ऐसे ऐसे कट कर रहा हूं, ठीक है, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल, एंटीरियर और पोस्टीरियर, रन अलोंग, दोनों के अलोंग कट हो रहे हैं, डॉर्सिवेंटल के भी हो रहा है और एंटीरियर पोस्टीरियर के भी अलोंग कट होता है। तो दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, वर्टिकल प्लेन कहा जाता है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, अलोंग द एपी एक्सिस, अलोंग द डॉर्सिवेंट्रल प्लेन, है ना, डीवी प्लेन मतलब डॉर्सिवेंट्रल प्लेन के अलोंग, सिंपल सी बात है। अगला एक और पॉइंट आता है जो कि आप जब नेक्स्ट सिमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा ना, वहां पर मैं आपको बायलैटरल सिमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको ये वाला प्लेन काम में आएगा, इंपॉर्टेंट हो गया ये, एनसीईआरटी में अपने को बायलैटरल सिमेट्री गिवन है, है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, बहुत तेजी सा है, एक बार आता है सेजाइटल प्लेन, यार कुछ नहीं होता है सेजाइटल प्लेन, बहुत तेजी होता है, कुछ नहीं है, मैं ये खड़ा हूं, आप मेरे को क्या करो, एकदम मिड एरिया से, मतलब वर्टिकल कोई कहते हैं वैसे तो सेजाइटल, लेकिन यहां से एग्जैक्टली ऐसे कट लगा दो, ऐसे कट किया जा रहा है, इसका मतलब आप मेरे को आधा आधा कट कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है कौन सा प्लेन, सेजाइटल प्लेन, एकदम मिड एरिया से, बायलैटरल सिमेट्री है ना हमारे अंदर, मेरे को आप यहां से कट करोगे तो एग्जैक्टली आप मेरे को हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाऊंगा, है ना। तो बस बायलैटरल सिमेट्री में हमेशा सेजाइटल प्लेन से ही, एकदम मिडल एरिया से ही कट किया जाता है, तो उसको आप बायलैटरल सिमेट्री कह दो, हमारे अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। या फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो प्लेन है ना जहां से आप कट कर रहे हो एकदम मिड एरिया से, बस इसको कहते हैं सेजाइटल प्लेन। अब बेटा यहां से ऐसे कट करेंगे, ऐसे यहां से कहीं से ऐसे मैं लंबाई में कट कर रहा हूं तो वर्टिकल प्लेन है, बट मिड वर्टिकल प्लेन, यहां से एकदम बीच में से कट करना है, जिसको कहा जाता है सेजाइटल प्लेन, है ना। तो ये हमारे बॉडी प्लेन है, ठीक है, इजी सा पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमेट्री, ठीक है।